मैं सेंट जेवियर सेंट्रल एकेडमी मोहरा बाजार से हिंदी के शिक्षक अभय कुमार सिंह आप सबके समक्ष व्याकरण से बारे में बताना चाहता हूँ कि व्याकरण है क्या, व्याकरण क्यों पढ़ना जरूरी है, व्याकरण कैसे बना है, किस शब्द से बना है। तो इसके बारे में कि व्याकरण शब्द वी का अर्थ होता है विशेष पद, आ का मतलब होता है भाली बात, करण का अर्थ होता है व्याख्या, व्याख्या अर्थात जिन नियमों के द्वारा भाषा को व्यवस्थित नियोजित और परिमार्जित किया जाए उन नियमों के सर्वमान्य और वैध स्वरूप को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण एक साधन है जो भाषा को अनुशासन में रखता है, सशक्त रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध बनाता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा प्रभावी रूप धारण करती है। व्याकरण भाषा को नियमों से बांधता है। व्याकरण ही भाषा को अर्थ प्रदान करता है। व्याकरण के निम्नलिखित तीन भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, व्याकरण के अंग, पहला है वर्ण विचार है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार में इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार, इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। धन्यवाद।